What's up and good morning guys. Vikas बैठ हुआ पड़ा है कपड़े and real life. So what's up guys? This is Vikas Singh and welcome back to my YouTube channel Streetwear. This is not a streetwear channel. एक सेकंड. This is Vikas Singh Vlogs. That's my new channel and first time when I'm doing a vlog. और कुछ ये देखा है? ये iPhone 12 है. इसकी अनबॉक्सिंग मैंने की नहीं थी YouTube पे. अब कर देता हूँ. खुल भाई बहन चुप. ये मेरे पास जो इससे पहले iPhone 11 था उसका चार्जर यूज़ कर रहा हूँ. अब तक ये टाइप सी का मेरे को चार्जर मैंने यूज नहीं करा है. इसे कहते हैं पैसे की वजह. मतलब इतना पैसा ले लिया बंदे से उसके बाद भी उसे चीज नहीं दी. मतलब चार्जर डाल देते 500 रुपए का तुम्हारा क्या चला जाता. इतना मुझे परेशानी पड़ती है डाटा को ट्रांसफर करने में यहां से वहां. टाइप सी मतलब देखो इसका ये नॉर्मल वाला है. मतलब जो भी घुसता है जैसे क्या है वो. एक सेकंड दिखाता हूँ. ये इसकी जो ये चीज़ है ये टाइप सी वाली है और जो उसके पीछे तेरी मार का ये वाली है. उसको जो पीछे वाली है वो टाइप सी वाली है. अब एक बार बताओ मेरे लैपटॉप में कैसे लग जाएगी ये. और भाई आएगी कहाँ से. मतलब तुम यार 85,000 रुपये लिए तुमने मुझसे इस फोन के एंड शो ऑफ नहीं करा 85,000 दिए ये बताओ. एंड इसके बाद भी तुम मेरे को चार्जर नहीं दे रहे हो तुम्हारी माँ का. सो व्हाट्स अप गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकास सिंह व्लॉग्स. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अ व्लॉग जिसमें कि हम जाएंगे क्या बोल जा रहे हो व्लॉग करने तो पहली बार कर रहा हूँ तो हाँ. सो हम जाएंगे फोटोशूट के लिए एंड ऑफकोर्स दाढ़ी बनानी है एंड कोई मस्त से कपड़े पहनने हैं एंड देखेंगे आज क्या करते हैं. कुछ मस्त सेक्सी से जाते हैं कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे खा लेंगे पी लेंगे मस्ती करेंगे. एंड बस आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू शो यू कि मैं क्या कर रहा हूँ एंड क्या नहीं. वी विल मीट ऑन द लोकेशन या शेवी वेइंग करके मस्त कपड़े वपड़े पहन के उसके बाद आपसे मिलता हूँ. बाय. मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कंफ्यूजन कौन 350 रुपए की साड़ी बिक रही है बाहर. मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कंफ्यूजन यार कौन सा जूता पहनूं. इनमें से कुछ समझ नहीं आ रहा. मतलब ये मेरे साथ ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम हो रहा है ये मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है. जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ सबसे पहले समझ ही नहीं आता कि कौन सा जूता पहनूं. आई थिंक व्हाइट वाला ठीक लगेगा बिकॉज मेरा ब्लू कलर का एडिडास का ट्रैक सूट है जो मैं पहनने वाला हूँ अभी. सो आई थिंक ये व्हाइट वाला ज़्यादा सूट करेगा उस पर. बाकी तुम्हारे हिसाब से कौन सा सूट करेगा नीचे कमेंट करके बता देना ताकि मेरे कमेंट पड़ जाए और तुम्हारी चॉइस भी पता लग जाए मुझे. सो लेट्स सी व्हाइट वाला ठीक लगेगा. गाइज प्लान में बहुत कुछ चेंज हो गया है. फर्स्ट टाइम ब्लॉग कर रहा हूँ पहली बार ही लेनी देनी हो गई है. देखो सबसे पहले तो मेरा ड्रायर जिसमें आग लग चुकी है बहुत गंदी तरीके से. एंड दूसरा कि मैं जहाँ शूट करने वाला था जिस जगह पे जाने वाला था फोटोशूट के लिए वो जगह बंद हो गई है. मतलब कुछ कोरोना केसेस निकलने की वजह से. एंड दूसरा जो मेरे साथ जाने वाला तीसरा सॉरी जो मेरे साथ जाने वाला था उसने भी मना कर दी. सो पहले व्लॉग में ही मेरे साथ ये सब हो गया. करूँ तो क्या करूँ यार. बट ठीक है वी विल गो आउटसाइड कुछ ना कुछ तो करेंगे क्योंकि पहला व्लॉग है. मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए. वी विल डू समथिंग एंड आई होप के मुझे ड्रायर लेने चलना चाहिए. क्या बोलते हो? आई थिंक मुझे ड्रायर लाना चाहिए क्योंकि वो तो खराब हो चुका पूरा फूक चुका है. अब लेट्स गो फॉर ड्रायर गाइस. इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं बाहर जाने का. एंड फिलहाल मेरा रूम पूरा मैस हुआ पड़ा है. सब चीज़ ऐसी खराब हुई पड़ी हैं. बट ये क्योंकि 2-3 दिन अभी रूम में काम चलने वाला है एंड इसके बाद एक यूट्यूब पे एपिसोड आ गया जिसमें पूरा मैं अपने रूम का सेटअप दिखाऊंगा जो इस सब से मतलब ये वायरिंग वगैरह दिख रही है अभी वाईफाई की ये सब चीज़ें हो रही हैं ये सब कुछ नहीं होगा और बहुत ही सेक्सी होने वाला है. सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अब चलते हैं ट्रायल लेने. हेयर ड्रायर. हाँ जी दिखा दीजिए. वो जो पहले वाला ले गया था वो तो फूक गया. कौन सा वाला था? वो ब्लैक सही था मतलब पूरा ब्लैक था. हाँ यही तो था. दिखा ना फूक कैसे गया. कुछ कर दिए इसमें कारस्तानी. दिखाओ ये वाला अच्छा लग रहा है ये वाला दिखाओ. कुछ करामात किया होगा. हाँ कुछ किया था इसे. हाँ उतार लो ऊपर. उतार
दिखाने की वजह से क्वालिटी खोल नहीं है। नहीं वो कुछ कराई था इस चक्कर में हो गया। मैं खुद घर में चलाता हूँ। कितने साल हो गए? याद भी नहीं। 5 साल से ऊपर हो गए। एक ही ड्रायर? एक ही ड्रायर। अरे 5 साल से ऊपर कुछ उससे ज्यादा हो गया। रन विद आवर इतने सारे लोग देखते हैं व्लॉग करते हैं। चल बैठ, चल बताऊंगा। सो वी हैव डन और ले लिया जो सामान लेना, बाकी घर चल के बात करता हूँ क्योंकि यहाँ बड़ी लेनी देनी हो रही है। सो वी आर बैक एट होम एंड हम ये सब चीज़ें जो लेके आए हैं अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको दिखाऊंगा सच में इसकी क्वालिटी कैसी लगती है घर पे आने के बाद। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस ये मेरे हाथ हैं, देखो कितने गोरे लग रहे हैं। दिस इज माई वॉच। सो अब हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग हम कुछ ऐसे करते हैं। बूम, ये मेरा नया ड्रायर है जिसे लाने का कोई प्लान नहीं था बट सब चीज़ टूट गई तो आई हैव टू गेट अ न्यू ड्रायर। सो हम एक नया ड्रायर लाए हैं और क्या है इसके साथ, बस बस इतना सामान जैसा आईफोन वालों ने लूटा वैसे इन्होंने भी लूटा मेरे को। ये हो गया सेट, चलो ये तो हो गया। अब ये क्या है, देखो मैं वहाँ पे गया तो था कुछ ले नहीं बट मेरे को मेरी जो डेली क्रीम थी वो हो गई थी ख़त्म। कोज देखो दिल्ली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड मैं इतने बात करते करते इसकी ओपनिंग भी कर देता हूँ। दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है तो हम बिना क्रीम के नहीं रह सकते और मैं चेहरे पे फेस वॉश के अलावा कुछ नहीं लगा रहा था। सो अब मैं एक लाया हूँ महंगा प्रोडक्ट अमीरो वाला जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा सेक्सी गोरे एंड धूम धूम। ओए यार मैं बाहर आना, पैसे पूरे दिए हैं इसको तो। एडवांस फेयरनेस लोशन, ये डेली लाइफ में कहाँ जा रही है यार। हाँ सो ये डेली रूटीन में काम आएगी मेरे एंड आई होप कि ये मेरे को और ज़्यादा ठीक ठाक और बढ़िया दिखाए। सो ये आई 499 मतलब 500 रुपए की और वो आया 1250 का। बस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करते हैं, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट ब्लॉग जो कि पूरी तरीके से बेकार हो चुका है बट आई हैव टू अपलोड इट। सो अब हम अगली वीडियो मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हो तो गाइस मैं धीरे धीरे ब्लॉगिंग सीख रहा हूँ और इससे और भी ज़्यादा बेटर करूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन बाय गाइस।